हेलो किड्स वेलकम बैक टू एजुकेशन सारथी तो आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड का गैमा फॉर एवर चैप्टर ट्वेंटी फोर पढ़ेंगे एडवर्ब्स सो बिफोर वी स्टार्ट द एडवर्ब्स एंड एक्सप्लेन आई विल एक्सप्लेन यू एडवर्ब्स वेरी क्लियरली एंड वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो इन दिस वीडियो तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए बिना किसी वीडियो को स्किप करे हुए पूरा देखिए वीडियो को और अगर आपने अभी तक एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब किया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर एडवर्ब्स लाइक एडवर्ब्स जैसे एडजेक्टिव होते हैं वैसे ही एडवर्ब्स भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को और एडजेक्टिव को तो जो एडवर्ब होते हैं वो किसे डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को और एडजेक्टिव को वो मैं बताते हैं कब कहाँ और कैसे वो एक्शन हुआ है तो हाउ यानी कि कैसे स्लोली ग्रेसफुली स्विफ्टली क्विकली धीरे हुआ है अच्छे से हुआ है तेज से हुआ है आराम से हुआ है कैसे वर्क हुआ है वैन और कब हुआ है यस्टरडे कल हुआ है टुमारो हुआ है आज हुआ है या होने वाला है वे अब कहाँ होगा हे दे एवरी व्य नाओ यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे भी तो ऐसे ही हमारे जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडजेक्टिव और किसे डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं और वो बताते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो कब कहाँ और कैसे हुआ है हाउ व्हेन एंड वेयर लेट अस टेक सम एग्जांपल्स व्हिच विल मेक अस आर कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम्पल वन है शी स्पोक क्विकली तो वो बोलती तो है पर वो कैसे बोलती है क्विकली क्विकली क्या है हाउ है एक मैनर है उसका शी स्पोक टू मी यस्टरडे यस्टरडे तो टाइम है वेन में आ गया शी स्पोक क्या है वेयर यानी कि प्लेस है एक अब एडवर्ब भी कुछ टाइप्स के होते हैं मैनर टाइम प्लेस तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ेंगे टेल अस समथिंग टेक्स टू प्लेस कि कब कैसी चीज़ हुई है वो चीज़ आती है एडवर्ब ऑफ मैनर में जैसे कि हाउ जो हाउ होता है वो आता है एडवर्ब ऑफ मैनर में लेट अस टेक सम एग्जांपल्स द बॉय वॉक्स क्विकली तो यहाँ पे क्या है क्विकली है क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है ये बता रहा है कि बॉय कैसा वॉक करता है हाउ हाउ द बॉय वॉक्स द बॉय वॉक्स क्विकली एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग टू टेक्स स्लैश प्लिक्स यानी कि जब वैन वैन किस में आता है ऑफ टाइम यानी कि कब वो काम हुआ है लेट लेटेस्ट एक एग्जाम्पल द ट्रेन लेफ्ट यस्टरडे वो ट्रेन कल छूट गई तो यस्टरडे क्या है वैन है यानी वो टाइम है वो कब हुआ है वो काम तो यस्टरडे क्या है टाइम है और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैन द ट्रेन लेफ्ट तो यू विल से द ट्रेन लेफ्ट यस्टरडे तो वैन की जगह आपको आंसर मिलेगा यस्टरडे एडब ऑफ प्लेस एडवाब ऑफ प्लेस क्या होता है यह हमें बताता है कि वेयर के बारे में यानी कि जो चीज़ कहा हुई है प्लेस यानी कि वेयर जब क्वेश्चन में वेयर पूछा जाता है तो यू विल राइट प्लेस एग्जाम्पल द मैन वेंट स्ट्रेट तो स्ट्रेट क्या है उसकी प्लेस है वो स्ट्रेट प्लेस में चले गया नाव आपको क्या करना है एडवर्व को अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट में सॉरी uh, सेंटेंस में नंबर वन है माई सिस्टर एंड आई आर स्टडिंग रेगुलरली फॉर एग्जाम तो रेगुलरली क्या है उसका एक मैनर है कि वो रोज़ पढ़ता है कैसे पढ़ता है रेगुलरली पढ़ता है सेकेंड द कमिटी विल मीट टमोरो तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है टुमारो है और कौन सा एडवर्ब है एडवर्वर्फ टाइम है बट यहाँ पे आपको सिर्फ एडवर्ब को अंडरलाइन करना है ना कि उसका काइंड बताना है ना थर्ड माई ग्रैंड मदर वॉक्स केयरफुली टू अवॉइड गेटिंग हर्ट तो यहाँ पे क्या आएगा केयरफुली केयरफुली क्या है मैनर है तो ये भी एक एडवर्ब हुआ न फोर्थ दे एक्टेड स्विफ्टली टू सेव पीपल फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द रिवर तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है स्विफ्टली फिफ्थ आर फैमिली फ्रीक्वेंटली गोज फॉर पिकनिक तो क्या है यहाँ पे एडवर्ब फ्रीक्वेंटली सिक्स शी मूव स्लोली डाउन द एजल तो यहाँ पे क्या है स्लोली है एडवर्ब सेवन द ब्रदर्स वर बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट तो क्या बैडली है यहाँ पे एडवर्ब एट ही जेंटली रिप्लेस द डेलीकेट वेज तो जेंटली तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ जिसमें एल एल वाई आता है वो भी एडवर्ब्स होते हैं एडवर्ब को पहचाने का सबसे ईजी तरीका ये भी होता है नाइन्थ एट द एज ऑफ सेवेंटी शी स्टिलग वेरी शी स्टिल सेंग वेरी वेल तो यहाँ पे सेवेंटी क्या है एडवर्ब है नाउ टेंथ वी कैन स्टॉप हे फॉर लंच तो यहाँ पे क्या है हेयर है क्वेश्चन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक टू द सुटेबल एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस और मैनर अभी हमने आपको बताया टाइम क्या होता है प्लेस क्या होता है मैनर क्या होता है एडवर्ब ऑफ ठीक है तो आपको इनमें से चूज करना है और राइट right फिल करना है जैसे एक वन है ही वन टू मुंबई तो जो येस्टे वाला ऑप्शन है ऑलरेडी यूज अप हैंड के द्वारा नाउ सेकेंड शी वेंट डैश तो यहाँ पे क्या आएगा शी वन डैश आउटसाइड तो यहाँ पे लिख लीजिए आप यहाँ पे आउटसाइड मैंने यहाँ नंबरिंग वैसे कर दी है केस अगर आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आती तो आप वहाँ से देख सकते आउट साइड यानी कि बाहर नेक्स्ट आई विल कम बाय अ कंप्यूटर टमोरो यहाँ पे क्या आएगा टमोरो आएगा टू ये थ्री नंबर के लिए है मैंने यहां पे राइट कर दिया आपके लिए नाउ फोर्थ द गेस्ट केम द गेस्ट केम के बाद क्या आएगा लास्ट वीक लास्ट वीक डू इट नाउ सिक्स दे डैश कम इन टाइम सेल्डम तो यहाँ पे क्या है बच्चों सेल्डम ये मैं टाइप कर देती हूँ आपके लिए समटाइम्स आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ पाती है ना सेल्डम स्टूडेंट्स ये सेल्डम मीन्स क्या होता है आप बोलोगे मैम आपने सेल्डम लिखवाया तो है बट हमें तो पता ही नहीं सेल्डम मीन्स क्या होता है तो हमें कभी इस सेल्डम को यूज़ करना होगा तो वेअ वी विल यूज़ इट सेल्डम मीन्स होता है स्टूडेंट्स कभी कभी यानी कि जो है वो लोग हैं कभी कभी समय पर आते हैं सेवेंथ बार्किंग डॉश डॉग्स डैश बाइट तो ऑलवेज जो भौतिक कुत्ते होते हैं वो हमेशा काट देते हैं जो, जो लोग काम करते हैं ऑफिस में उन्हें कैसे पे करते हैं मंथली पे करते हैं मंथली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको खुद नहीं राइट करना है जो ऊपर ऑप्शन दिए हैं उसे पढ़ के राइट करना है मैं उससे ही राइट करवा रही हूँ आपको नाइन्थ ही नाउ टेन चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अप स्टेयर्स जो सीढ़ियों के ऊपर वो खेल रहे हैं नाओ द स्टूडेंट आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है नाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज अंडरलाइन द एडवर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस नाउ क्लेरिफाई क्लासीफाई दिन टू फॉलोइंग एडवर्फ टाइम एड वर्फ प्लेस एंड एडव मैनर आपके में सिर्फ ये तीन मैनर्स हैं एक और होता है एडवर्फ नंबर जो आप क्लास फिफ्थ में पढ़ेंगे नंबर वन इज मराठा नेवो प्लेस द चिल्ड्रेन तो नेवो क्या है एडॉफ मैनर है तो देखिये मैं मैनर के लिए एम लिखूंगी टाइम के लिए टी और प्लेस के लिए पी लिसन टू मी क्वाइटली तो ये क्या है मैनर है माई फादर ड्राइव्स की ऑफ वो ली ये क्या है मैनर है फॉर द चिल्ड्रन आर ईटिंग नॉइजली दिस इज द मैनर नॉइजली क्या है मैनर है इनका यूर रिप्लाइड करेक्टली तो करेक्टली क्या है ये भी मैनर है द ट्रेन अराइव लेट लेट क्या है टाइम है टी आई विल बाय द ग्रॉसरी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक क्या है टाइम है मॉस्किटोज आर एवरीवेयर एवरीवेयर क्या है प्लेस है पी आई सर्च बट फाउंड हिम नाव वे नाव क्या है प्लेस है हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था टेंथ द मैट्रेस इज टॉन साइडवेज साइडवेज क्या है प्लेस है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसे कंप्लीट कर लिया अब आपको क्या करना है इसमें से जो भी वर्ड्स मैनर के थे प्लेस के थे और टाइम के थे उन्हें लिखना है अभी मैंने आपको समझा दिया है कौन सा वर्ड क्या है तो आप इसे खुद भी फिल कर सकते हैं नाउ डी अरेंज द दर्ड फ्रेजे टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन आपको सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और एडवर्ब को अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे क्या बनेगा आई कांट फाइंड हर एनी व्यू तो लिख लेते हैं फटाफट से आई कांट फाइंड हर एनी वेयर तो ये यहाँ पे आएगा आई कान फाइंड हर एनी वेयर आप इसका आंसर जल्दी से राइट कर लीजिए और एनी वेयर यहाँ पे क्या है एडव है नाउ नेक्स्ट थर्ड वेयर एवरी वेयर देयर पीपल तो तो व पीपल एवरीवेयर गॉड चिल्ड्रंस तो ये आपका सोल्यूशन है और एवरीवेयर यहाँ पे एडवर्ब है यहां पे एडवर्प क्या है एवरी वेयर न फोर्थ शी ऑलरेडी देयर द गर्ल्स इज विद तो शी ऑलरेडी यहां पे आएगा शी इज ऑलरेडी विथ द गर्ल्स गॉडे चिल्ड्र तो यहां पे क्या है ऑलरेडी यहाँ पे देयर है एड ऑफ नाउ फिफ्थ आई टू बेड नाइट लेट लास्ट वेंट वेरी तो यहां पे क्या आएगा आई वेंट टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट लास्ट नाइट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लास्ट नाइट है लास्ट नाइट क्या है आपको पता है लास्ट नाइट क्या है लास्ट नाइट आपका टाइम है यानी कि एडवर्ब है नाउ थर्ड राइट द मिसिंग एडवर्ब ऑफ टाइम आपको मिसिंग एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ राइट करना है नंबर वन में है आई नीड योर रिपोर्ट टूडे आई कॉन्ट वेट एनी लॉन्गर सेकेंड आई विल सी यू डैश एट द पार्टी येस आई मेट यू देयर एट टेन पी एम तो टुमोरो आएगा यहाँ पे टुमोरो दिस इज द राइट आंसर Now third, it is two, it's two dash, I think I am going two after two hours. It's two far. Now fourth, how do you dash know the answer nobody else does? ऑलवेज तो मैं हमेशा के आंसर याद रहता जब किसी को याद नहीं रहते हैं नौ फिफ्थ दिस I hope. गो वेरी वेल आई will द फिल्म विल स्टार्ट डैश यू वॉन्ट तो यहाँ पे आएगा सून जल्दी शुरू होगी सेवन डोंट हैव टू फिनिश इट टुडे डू इट टुमारो ठीक है नाउ एफ मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग एलवाई एडवर्ब सर्कल द वर्ब्स दैट दे मोडिफाई इन योर सेंटेंसेस लाउडली रवी शाउट लाउडली ठीक है नीटली आई डू माई वर्क नीटली आई डू माई वर्क नीटली ऐसे ही थर्ड हेवीली द रेन रेड है या इट एक छोटा सेंटेंस बनाते हैं इट रेन्ड हैवीली यहां पर फोर्थ जॉयफुल एट इज टू जॉयफुल बट यहाँ पे क्या है जॉयफुल ही है तो तो आप फटाफट हमें जैसा ही यहां पे राइट करते रहिए फिफ्थ एंग्रीली शी शाउटेड मी शी शाउटेड ऑन मी एंग्रीली आई होप चिल्ड्रंस आपको ये सब समझ आ रहा है पीसफुली लिव हेअ पीसफुली Seventh. Yeah, solve these questions cleverly, sleepily. I do work sleepily, softly, you speak softly, bravely. I fought. Bravery. और अगर आपके पास इसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव अच्छे अच्छे सेंटेंस हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग पैराग्राफ आपको एडवर्ब को अंडरलाइन करना है इस पैराग्राफ में आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है बट कोई बात नहीं हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे Long, long ago, in a little village by the sea, lived a little family. They lived quietly, peacefully, going about their daily work cheerfully. One day, a storm hit the coast. The sky darkened threateningly. Now I will use black pen and underline. The clouds covered the sky, and the wind gustly on the village all the people screamed loudly and ran quickly to the temple the mosque and the church because they were only buildings that were built sturdily all the huts in the village were destroyed the people waiting silently for the storm to pass and then went sadly to see damage many of them cried bitterly when they Saw so all the houses completely destroyed, but the little family went about it cheerfully. When others looked at them with surprise, they said, At least we are alive, hale, and hearty. God gives us trouble, but He does give us strength to cope with it. So put your faith in Him and get back to work. All the people went better when they heard these words, they decided to. और दीज़ आर द सोल्यूशंस अगर इसमें से कोई भी लेफ्ट आउट हो गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं देन वी विल सॉल्व दीज फॉर यू बट मेरे हिसाब से तो शायद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल एजुकेशन साधे को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो इसके लिए टेक केयर एंड बाय बाय केर्स